हाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आपके सामने लेके आए हैं देसी स्टाइल, एकदम देसी स्टाइल चिकन विंग्स की रेसिपी। यम्मी ढाबा स्टाइल देसी स्टाइल चिकन विंग्स हैं। इसमें एक यूज़ नहीं होएगा, इसमें जाएगा बेसन और मैदा, बस दो इंग्रेडिएंट से यम्मी सा चिकन विंग बनेगा। तो हमने इसमें कुछ मसाले यूज़ करने हैं। मसाले में हमने लिया है 1 टेबल स्पून रेड पेपर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून फूड कलर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून चिकन रोस्ट मसाला और 2 नींबू लेमन जूस यूज़ किया है। फिर इसमें हमने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और इसके बाद हमने बेसन वन कप ऑफ हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। सबको हमने मिला के इस तरह से मिक्स करके मैरिनेट कर दिया और गरम आयल में हमें तलना है, क्योंकि आयल जो है एकदम हार्ड चाहिए इसके लिए। तो हम एक चिकन विंग्स डालेंगे, फिर सारे चिकन विंग्स हमने ऐड कर दिए हैं। देखिए इसका कलर आ गया है, अब इसे बाहर निकालेंगे। इसे 2 टाइम फ्राई करना है। जब इसे बाहर निकाल के थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देंगे, ठंडा हो गया है तो हम फिर से फ्राई करते हैं। इससे एकदम गल जाएगा और क्रिस्पी सा बनेगा। ये देखिए यम्मी से चिकन विंग्स रेडी हैं। करने के बाद चिकन विंग्स को हम पेपर में निकाल लेते हैं, पेपर टॉवल में, क्योंकि इससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल पेपर में चला जाता है तो ऑयल नहीं रहता है। तो हमने देखिए सर्व कर लिए ग्रीन चटनी के संग। इस चटनी को हमने गार्लिक, ग्रीन पेपर और कोरिएंडर मिक्स करके बनाया। 1 टेबल स्पून साल्ट डाला है और 1 लेमन जूस भी डाला है 1 टेबल स्पून। यम्मी से क्रिस्पी से चिकन विंग्स तैयार है। खाइए और खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। देखिए खाने से ज़्यादा मज़ा खिलाने में है। जो लोग खिलाएंगे उनके दस्तरखान में कभी कोई कमी नहीं होगी और बरकत ही बरकतें हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।